जनपद संभल की चंदोसी में 59 वर्षों के बाद गणेश चतुर्थी पर नहीं किया जाएगा मेले का आयोजन। मुंबई के बाद उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की चंदोसी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर लगने वाला उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध गणेश मेले का आयोजन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। इस विषय में गणेश मेला आयोजित कमेटी के संस्थापक डॉक्टर गिरिराज किशोर ने बताया कि श्री गणेश मेला परिषद की बैठक में इस बार कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण इस मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम पूरी तरह से शासन और प्रशासन के साथ हैं। इस साल की स्थिति तो आप लोग बताएंगे और आने वाली पब्लिक बताएगी, लेकिन पिछले 59 साल से ये मेला जो लग रहा है वो शुरू से धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और लाखों की तादाद में पहुंच गया। अब की चूँकि हालात बहुत ख़राब हैं तो हमको ज़रूर मदद करनी चाहिए प्रशासन की, और प्रशासन को भी मतलब पब्लिक की मदद करनी चाहिए, देखना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से भगवान के दर्शन कराने हैं। ठीक ही कहा है उन्होंने कि एक एक दो दो चार चार करके अपने दर्शन करें, और मेला चूँकि लग नहीं पाएगा, हालात ऐसे हैं, इसलिए सब तरफ से मजबूरी है। क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना महामारी को लेकर भैया? संदेश ये है कोरोना का कि कोरोना का पता तो चलता नहीं किसको हो जाएगा, लेकिन मुझे तो खैर मरीजों से ही हुआ होगा, लेकिन मैं पब्लिक को ये जरूर कहूँगा कि इस कोरोना के समय में आपस में ज़्यादा भिड़ के ना चलें, एक दूसरे का झूठा ना खाएं, हालांकि उससे होता नहीं है, होता मतलब थूक से है, हाथों से है, तो कोरोना को ऐसा है कुछ पता नहीं चलता किसको हो जाएगा और किसकी कितनी इम्यूनिटी है। मैं बराबर मरीज देखता रहा और इम्यूनिटी मेरी गोल हो गई, इसलिए मुझे हो गया, लेकिन औरों को मैं यही संदेश दूंगा कि आपस में ज़्यादा घुले मिले ना।